बसपा ने एक बार फिर गेम बदल दिया है तो वहीं कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। जिला पंचायत के चुनाव में 47 सीटों के नतीजे सामने आए हैं जिनमें से बसपा को 16 पर उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। आपको बता दें हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सेमीफाइनल माने जा रहा था। ऐसे में जब हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है, इसके बाद भी बीजेपी के लिए नतीजे खतरे की घंटी है। इस चुनाव की खास बात यह है कि कई पार्टी के दिग्गजों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। देखिए कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। हरीश रावत जी ने हरिद्वार को जो प्यार दिया है, जो विकास कराया है, जो सद्भावना पैदा की है, सर समाज का सम्मान किया है, सर समाज को सभा में बनना अपने जिलाध्यक्ष का नाम तय करना है। बाकी फॉर्मेलिटी तो हरिद्वार के लोग स्वयं तैयार करेंगे। हमारे सदस्य आज का रुझान निकाल के लगभग 18 से 20 सदस्य हमारे अपने आ रहे हैं। कुछ हमारे जो बाकी कांग्रेस के लड़े थे निर्दलीय के रूप में, वो भी हमारे साथ है। यानी जिला पंचायत में पिछले चुनाव में हम लोग 7 सीटें जीते थे, मुझे उम्मीद है इस बार हम उससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उससे कुछ संख्या हमारी बढ़ेगी। वर्तमान समय में पार्टी ने का दुरुपयोग किया है, जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी की दादागिरी चल रही है, यह पंचायत चुनाव में लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी कल शाम एक सीट जो दौलतपुर सीट थी वो पहले 435 वोट से डिक्लेयर हो गई, बाद में प्रेशर बनाया गया, रिकाउंटिंग करने की बात आई, रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में 135 वोट से डिक्लेयर हो गई। कल से उसमें कोई गलती है तो आप उसको भी जनता के सामने रखें। लेकिन सर ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है, ये बहन कुमारी मायावती जी का वोट है, ये बाबा साहब के मिशन का वोट है। ये वोट जी जिसे भी आदेश करेंगे उसके पास बिन कहे पहुंच जाएगा। और मुझे विश्वास है कि बहन जी ने आस्था जो जताई है यहाँ अध्यक्ष के लिए, भाई मोहम्मद शहजाद जी के भाई सत्तार जी के लिए, सत्तार मलिक जी के लिए लगभग मुझे लगता है कि प्रस्तावना बन चुकी है। तो मेरा पूर्ण आस्था है उनमें और बहन जी में और सभी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। मैं निश्चय कर चुका हूं कि मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ, भाई शहजाद जी के साथ, जिनका एहसान है मेरे पास बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेरा दुख में साथ दिया। तो हमारे साथ हरिद्वार से सीधा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे पुलकित शुक्ला, जिनसे जानेंगे इस चुनावों के परिणाम के बारे में। पुलकित, सुन पा रहे हैं आप? जी पुलकित, पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं जिसमें बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली है, तो क्या कारण लगता है इस बार की बीजेपी की, क्या नकार रही है जनता इस बार बीजेपी को? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जो भाजपा और कांग्रेस जो दोनों बड़े दल हैं, जहाँ हरिद्वार को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहीं कांग्रेस के उत्तराखंड में सत्ता में है कांग्रेस जी। पर जनता ने जो है दोनों दलों को आईना दिखा दिया है। और उसके अलावा जो 17 जो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जो जीत कर आए हैं, बल्कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है फिर भी 11 सीटों में इस बार से मिट गई कांग्रेस, तो क्या लगता है कि जनता इस बार चाहती है? जनता बिल्कुल तीसरे विकल्प की तलाश में है। जनता ने आईना दिखा दिया है कि अब ये भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक तीसरा अवसर जो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अब ये निर्दलीय ही तय करेंगे कि वो किसके पाले में जाते हैं और किसका जो है। इस बार तो निर्दलीय को सबसे ज्यादा बहुमत मिली है, तो इस बार क्या लगता है कि जनता तीसरी पार्टी के फिराक में है, तो इस बार क्या तीसरी पार्टी चाहती है जनता? तीसरी पार्टी तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे इससे पहले भी बोर्ड जो है वो बीएसपी का था, लेकिन अभी ना बीएसपी ना कांग्रेस के पास बहुमत है, तो अब निर्दलीय के आधार पर ही ये तय होगा कि किसका अभी बोर्ड बनेगा और कौन जिला अध्यक्ष की, जिला पंचायत सदस्य की अध्यक्ष की सीट पर बैठेगा। तो क्या लगता है कि इन परिणामों को मिशन 2017 पे क्या कोई फर्क पड़ेगा इस परिणामों का? सीधे तौर पर इन परिणामों का